बातमी आहे. मुंबईतल्या वरळीतील हिट अँड रन प्रकरणामध्ये एक मोठा ट्विस्ट आलाय. आरोपी मिहिर शहाचे रक्ताचे नमुने समोर आले आहेत आणि ब्लड रिपोर्टमधून मद्यपानाची पुष्टी काही होत नाहीये. अहवालानंतर मुंबई पोलिसांच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली आहे, कारण पोलिसांच्या चौकशीमध्ये मद्यपान केल्याची कबुली आरोपीनं दिली होती, मात्र रक्त आणि लघवीच्या फॉरेन्सिक अहवालामध्ये दारू पिऊन गाडी चालवल्याची पुष्टी झालेली नाही आणि त्यामुळे हा एक ट्विस्टच या प्रकरणामध्ये म्हणावा लागेल. आरोपी मिहिर शहाचे रक्ताचे नमुने समोर आलेले आहेत, मात्र आरोपीने दिलेली कबुली आणि रक्ताचे नमुने हे काही जुळत नाही आहेत. अधिक माहितीसाठी जाऊयात. आमचे प्रतिनिधी दिवाकर सिंग आहेत आपल्या सोबत. दिवाकर, रिपोर्ट आल्यानंतर आणि आरोपीची कबुली यामध्ये काय बाबी समोर आले आहेत? देखिए, ये चीज तो पहले ही तय हो गई थी क्योंकि मिहिर शाह की जो गिरफ्तारी है घटना के 3 दिनों बाद की गई थी. तभी से यह संशय जताया जा रहा था कि क्या उसके ब्लड में अब अल्कोहल के ट्रेसेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. हालांकि पूछताछ में पुलिस की उसने साफ तौर पर यह कबूल किया था कि हाँ, वो अल्कोहल पीकर ही गाड़ी चला रहा था, लेकिन क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को चाहिए थी सबूत के तौर पर, इसलिए उसका ब्लड सैंपल भेजा गया था फोरेंसिक के लिए. लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है. उस ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल के ट्रेसेज उसके ब्लड में नहीं मिले हैं. यूरिन की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी किसी प्रकार के अल्कोहल के ट्रेसेज नहीं मिले हैं. अब इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद मुंबई पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जांच को कैसे आगे बढ़ाएं, आरोपी पर अब किस तरह के चार्जेस फ्रेम करें, ये देखना मुंबई पुलिस के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स है कोर्ट उसी रिपोर्ट्स को मानता है. अब आरोपी जो है पुलिस के सामने अगर कोई बयान देता है तो कोर्ट में वो मान्य नहीं होता अगर आरोपी पलट जाता है. तो जाहिर तौर पर अब मुंबई पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं अब मुंबई पुलिस पर मामले में किस तरह से जांच को आगे बढ़ाती है ये देखना काफी अहम है. बिल्कुल दिवाकर, शुक्रिया इस जानकारी के लिए.